गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्विन, हमारे यूट्यूब चैनल सफलता के सारथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 7 जुलाई और मैं लेके तैयार हूं आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज सुबह आप तक पहुँच सके। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए? तो इनका नाम है जीन कास्टेक्स। जीन कास्टेक्स को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा नियुक्त किया गया है। यह राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की योजनाओं का एक हिस्सा है ताकि वह अपनी पकड़ को मजबूत कर सकें और वह अपने कार्यकाल के शेष 2 वर्षों को बढ़ावा देने की योजना बना सकें ताकि फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था को कोविड-19 संकट से मुक्त करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। अगर हम बात करें फ्रांस की तो इसकी कैपिटल है पेरिस, जो है सीन नदी के किनारे, एवं जो करेंसी है वह है यूरो। भारत ने फ्रांस से 36 लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया था जिसमें से 4 से 6 राफेल लड़ाकू विमान इस महीने के अंत तक भारत को सौंप दिए जाएंगे। एवं फ्रांस जो है वह 2018 का फीफा वर्ल्ड कप विजेता है जिसने क्रोएशिया को हराकर यह वर्ल्ड कप अपने नाम किया था और इसका आयोजन किया गया था रूस में। और जो अगला फीफा वर्ल्ड कप है उसका आयोजन किया जाना है कतर में 2022 में। अगर बात की जाए कुछ इतिहास के बारे में तो जो फ्रेंच थे वह 1664 में भारत आए थे और उन्होंने 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी और उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई थी 1669 में मोस्टली पटनम में। इसके अलावा जो फ्रेंच थे और जो ब्रिटिशर्स थे इनके मध्य अक्सर युद्ध हुआ करते थे, उनको हमने बोला है कर्नाटक के युद्ध। तो उनकी एक लिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी देख लीजिएगा। प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक चला था। इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी नौकाओं पर हमला और इस युद्ध का नाम था अडियार का युद्ध और जो संधि थी वह थी एक्स ला चैपल की संधि। बात की जाए द्वितीय युद्ध के बारे में तो यह चला था 1749 से 1755 तक। इसका कारण था कर्नाटक और हैदराबाद का उत्तराधिकार संघर्ष और इस युद्ध का नाम था अम्बूर का युद्ध या आर्कोट का युद्ध। जो संधि हुई थी वह हुई थी पौंडीचेरी की संधि। तृतीय युद्ध 1756 से 1763 तक चला था और इसको 7 वर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। इसका कारण था ऑस्ट्रिया और प्रेसिया के बीच युद्ध और इसको वॉन्डीबास का युद्ध भी कहा जाता है और इसमें जो संधि हुई थी वह थी पेरिस की संधि। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने कौन सी किताब लिखी है? तो इस किताब का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। यह जो बुक है यह नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की मुद्दे की तरफ ध्यान केंद्रित करती है जिसने हाल ही के वर्षों में बैंकिंग व्यवस्था को प्रभावित किया है और इस बुक को प्रकाशित किया गया है हॉपर्स कॉलिंग्स इंडिया ने। और अब बात की जाए उर्जित पटेल के बारे में तो इन्हें हाल ही में इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें इन्हें ऑप्शन के बारे में तो द थर्ड पिलर इसको लिखा गया है RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा और रिजेंट इंडिया इसको भी लिखा गया है RBI की पूर्व गवर्नर बिमल जालान के द्वारा और इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म इसको लिखा गया है बाय बी रेड्डी, यह भी RBI की पूर्व गवर्नर है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC द्वारा किस दिन धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 जुलाई के दिन। यह दिवस बुद्ध के प्रथम उपदेश की याद में मनाया जाता है और यह उपदेश गौतम बुद्ध ने 5 तपस्वी शिष्यों को सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। बौद्ध धर्म चक्र दिवस को धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म के चक्र की ओर मुड़ने के दिन के रूप में भी मनाया जाता है और इस वर्ष धर्म चक्र दिवस का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में किया था, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के बारे में तो 563 BC में लुम्बिनी कपिलवस्तु बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और जो इनके पहले गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना वर्तमान में फाल्गु नदी के किनारे और उस समय इनकी उम्र थी 35 वर्ष। और 483 BC में 80 वर्ष की उम्र में इन्हें कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें बौद्ध संगीति तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वह हुई थी 483 BC में, स्थान था राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासनकाल था अजात शत्रु का।
द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 BC में। स्थान था वैशाली, अध्यक्ष थे सवाकामी, शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय हुई थी 255 BC में। स्थान था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्त और जो शासनकाल था वह था अशोक का। बात की जाए चतुर्थ बौद्ध संगीति की तो यह आयोजित की गई थी 1 ईस्वी में। स्थान था कुंडलवन, अध्यक्ष थे बसुमित्र और शासनकाल था कनिष्क था। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस के बारे में तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे, 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड टीवी डे, 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन VRAAM 2020 में शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये बन गए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। VRAAM वर्चुअल रेड अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले एडिशन में लीडर बोर्ड पर इन्होंने 3रा स्थान हासिल किया और पन्नू अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और साइकिलिंग सर्कल में जो RAAM होता है यह सबसे कठिन रेस मानी जाती है और वर्चुअली इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के साइकिल चालकों ने इंडोर प्रशिक्षकों पर एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की थी। अगर हम बात करें यानी ऑप्शंस के बारे में तो कमांडर इन चीफ मनोज पांडे, इन्हें हाल ही में अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। नाओमी ओसाका जो हैं यह जापान की फेमस टेनिस प्लेयर हैं, फोर्ब्स के अनुसार यह सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट है। बात की जाए बी विद्यावती के बारे में तो इन्हें हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किसके साथ साझेदारी की है? तो जैसा कि आप इसका लोगो देख सकते हैं यह है फेसबुक। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने शिक्षकों व छात्रों के लिए फ्री व व्यापक प्रशिक्षक कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की। इसके पहले चरण में 10,000 शिक्षकों को ऑगमेंटेड रियलिटी और 10,000 छात्रों को डिजिटल सेफ्टी एंड वेल बीइंग पर ट्रेन किया जाएगा। इसके दूसरे चरण में 30,000 छात्र ट्रेन होंगे। अगर हम बात करें CBSE के बारे में तो इस वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को। बात की जाए फेसबुक के बारे में तो इसके जो CEO हैं वह है मार्क जकरबर्ग, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2004 में। बात की जाए व्हाट्सएप की तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, बाद में इसे फेसबुक के द्वारा खरीद लिया गया। अगर बात करें हम फ्लिपकार्ट की तो यह एक इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 2007 में सचिन बंसल और विनी बंसल के द्वारा। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है बेंगलुरु में और 2018 में वॉलमार्ट ने इसके 77% शेयर्स को खरीद लिया था। अगर हम बात करें गूगल की तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में एवं जो इसके CEO हैं वह हैं सुंदर पिचाई। इसके अलावा सुंदर पिचाई गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फावेट के भी CEO हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस अभियान के तहत एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू करेगी? तो यह अभियान है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ और इस अभियान के तहत 31 लाख पेड़ लगाए जाएंगे और इस अभियान का उद्देश्य है दिल्ली में हरियाली को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना। अगर हम बात करें दिल्ली की तो इसके जो गवर्नर हैं वह हैं अनिल बैजल, पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय और दिल्ली में खोला जाएगा भारत का पहला प्लाज्मा बैंक और दिल्ली सरकार ने मुकरवा चौक का नाम बदलकर कारगिल वॉरियर कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर रख दिया है और दिल्ली में ही एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 का आयोजन हुआ था। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो नगर वन कार्यक्रम, भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पेड़ लगाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया है। थैंक्स मॉम कार्यक्रम शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने पेड़ लगाने के लिए। संकल्प पर्व, संकल्प पर्व संस्कृति मंत्रालय 28 जून से 22 जुलाई तक संकल्प पर्व के रूप में मनाएगा और इसके तहत पेड़ लगाए जाएंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत सरकार के स्वामित्व वाली खनन की बड़ी कंपनी NLC ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसने समझौता किया है कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। NLC इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड ने
5000 मेगावाट की बिजली के लिए सोलर व थर्मल यूनिट को विकसित करने के लिए जॉइंट वेंचर का गठन किया है और इस जॉइंट वेंचर में दोनों कंपनियां बराबर 50-50% पैसा लगाएंगी। अगर हम बात करें कोल इंडिया की, तो दुनिया भर में यह कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। और बात की जाए NLC के बारे में, तो यह भारत में जीवाश्म ईंधन खनन क्षेत्र और ताप विद्युत उत्पादन में भारत की एक महारत्न कंपनी है। बात की जाए NTPC के बारे में, तो NTPC ने माली में 500 मेगावाट के सोलर पार्क बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात की जाए कोल मिनिस्ट्री के बारे में, कोल एंड माइनिंग मिनिस्ट्री, हाल ही में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है। और बात की जाए एनर्जी मिनिस्ट्री की, तो हाल ही में RK सिंह ने ऊर्जा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आई कमिट पहल की शुरुआत की है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इस योजना का नाम है बलराम योजना। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है और यह योजना नाबार्ड बैंक के सहयोग से शुरू की गई है। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो यह उड़ीसा की स्थिति है इंडिया के मैप पर। उड़ीसा ने हाल ही में वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा गान का दर्जा दिया और उड़ीसा छात्रावासों के ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। और हाल ही में उड़ीसा ने रज या रजा पर्व मनाया। और उड़ीसा में चल रही है एक योजना, एक स्कीम, कालिया पेठा स्कीम। बात की जाए अगर अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो पंचवटी योजना, यह योजना हिमाचल सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पार्क विकसित करने के लिए शुरू की है। बाल श्रमिक विद्या योजना, मजदूरों को शिक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। बात की जाए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की, तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे शुरू किया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने कौन सा भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका नाम है एलाइमेंट्स ऐप। यह जो ऐप है, इसको बेंगलुरु में स्थित सुमेरो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है। यह एप्लीकेशन फ्री ऑडियो वीडियो सेल व पर्सनल ग्रुप चैट की सेवाएं प्रदान करता है और यह कुल 8 भाषाओं में उपलब्ध है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो फ्लाईजी ऐप, इसे हाल ही में IIT गुवाहाटी के छात्रों ने कॉन्टैक्ट लेस हवाई यात्राओं के लिए विकसित किया था। बात की जाए दिल्ली कोरोना की, तो यह ऐप इसलिए विकसित किया गया है, इस ऐप की मदद से दिल्ली कोरोना के लोग सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में बेड व वेंटिलेटर्स की उपलब्धता का पता लगा सकते हैं। जो एयरवेंटी ऐप है, इसका कार्य भी सेम है, लेकिन इसको लॉन्च किया है मुंबई ने। अगर हम बात करें अन्य क्वेश्चंस के बारे में, हाल ही में किस भारतीय ने द डायना अवार्ड 2020 जीता है? तो यह जीता है फ्रिया ठकराल ने। दिल्ली की ब्रिटिश यात्रा फ्रिया ठकराल को उनके ऐप रिसाइकलर के लिए 2020 का डायना पुरस्कार मिला है और इन्हें दिल्ली के रैक पिकर्स, कचरा उठाने वालों की मदद के लिए यूजर्स को बेस्ट हैंडलर से जोड़ने के लिए इस ऐप को विकसित किया है। और डायना जो अवार्ड है, यह अवार्ड 1999 से UK में शुरू हुआ था और यह हर साल 1 जुलाई को राजकुमारी डायना की जयंती पर दिया जाता है। इसकी शुरुआत दुनिया भर के युवाओं को सामाजिक कार्यों व मानवीय प्रयासों को पहचानने के लिए दिया जाता है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, अमर्त्य सेन, इन्हें हाल ही में जर्मन बुक प्राइज पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर रतन लाल, इन्हें भारतीय अमेरिकी साइंटिस्ट हैं और रतन लाल ने हाल ही में वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 जीता है। बात की जाए कृतिका पांडे के बारे में, तो कृतिका ने हाल ही में शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन्स जिप ड्राइव ऑफर किया है? तो यह बैंक है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने 1000 शहरों में जिप ड्राइव नामक एक पहल शुरू की है। इसके माध्यम से बैंक इंस्टेंट कार लोन प्रदान करेगा और इसके तहत ग्राहकों को प्रो अप्रूव्ड लोन्स मिलेंगे। हाल ही में HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान को भी लॉन्च किया है, जिसके तहत ग्राहकों को ऑफर्स व कैशबैक प्रदान किए जाएंगे। अगर हम बात करें HDFC बैंक के बारे में, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई में। वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी
और यह प्राइवेट होने वाला पहला बैंक है। अगर हम बात करें ICICI बैंक के बारे में तो हाल ही में फोन पे ने मल्टी बैंक UPI मॉडल ICICI बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है। बात की जाए कर्नाटक बैंक के बारे में तो हाल ही में कोरोना से लड़ने के लिए इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है कर्नाटक बैंक ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाल ही में SBI ने माइक्रो लोन्स के लिए अलग से एक वर्टिकल स्थापित किया है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, क्रिकेट साउथ अफ्रीका एनुअल अवार्ड 2020 में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया, तो ये चुने गए क्विंटन डीकॉक, और वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुनी गई लॉरा बॉलबार्ड। और कोरोना के कारण इन अवार्ड्स को वर्चुअली आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ अन्य क्वेश्चंस के बारे में तो जो मोटेरा स्टेडियम है विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, यह पहला ग्रीन रेटेड क्रिकेट स्टेडियम बना। एवं हाल ही में वेस्ट इंडीज के किरण पोलार्ड 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ICC ने वुमेन्स क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए 100% क्रिकेट कैंपेन लॉन्च की है और विजडन के लीडिंग क्रिकेटर इन वर्ल्ड 2019 बने बेन स्टॉक, ये इंग्लैंड के हैं, और विजडन लीडिंग T20 क्रिकेटर बने हैं आंद्रे रसल, ये वेस्ट इंडीज के हैं। और पॉली उमरीगर प्राइज मिला है 2019 का जसप्रीत बुमराह को। और ICC वर्ल्ड कप का आयोजन 2023 में किया जाएगा भारत में। इसके अलावा अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की तो यह साउथ अफ्रीका की स्थिति है। साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के निचले हिस्से में स्थित है और जो अफ्रीका महाद्वीप है यह एकमात्र महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेडोर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों गुजरती हैं। अफ्रीका जो देश है, दक्षिण अफ्रीका की नदी लिम्पोपो नदी यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार काटती है और जो माही रिवर है, भारत की माही रिवर, यह कर्क रेखा को दो बार काटती है और भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली रिवर है कांगो रिवर, तो उनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो ऑरेंज रिवर है यह साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।